हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी स्पार्क विधि। पनीर से बनी हुई हर डिश टेस्टी एंड डिलीशियस लगती है। तो आज के इस वीडियो में पनीर को हम घर पर किस तरह से बना सकते हैं वो बताने वाली हूँ। तो चलिए हम पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है, जिसे गर्म करने के लिए मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। जैसे ही दूध में उबाल आ जाए हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है। इसे हम एक बार चला लेंगे और अब हमें इस दूध को फाड़ना है। दूध को फाड़ने के लिए नींबू का रस, दही या विनेगर डाल सकते हैं। यहाँ मैं 2 चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ। नींबू का रस डालते ही दूध का फटना शुरू हो जाएगा। जैसे ही दूध फट जाएगा हम गैस को ऑफ कर देंगे। ऐसा करने से पनीर सॉफ्ट बनता है। छेना और पानी को अलग करने के लिए हम छन्नी की हेल्प से छान लेंगे। ये जो पानी अलग हो रहा है इसे अगर हम फेंकने के बजाय आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इससे रोटियां बहुत सॉफ्ट बनती हैं। चम्मच की सहायता से हम सारा पानी हटा देंगे। अभी इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे। पानी इसलिए डालना है क्योंकि हमने दूध फाड़ने के लिए जो नींबू के रस का इस्तेमाल किया था उसका स्वाद हमारे पनीर में ना रहे। अब हमें एक थाली लेना है, उसके ऊपर एक छोटी प्लेट को उल्टा करके रखेंगे। अब ये कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर हमें इस छेने को डाल देना है और इस कपड़े को चारों तरफ से पकड़ के इसको थोड़ा सा दबा देना है ताकि इसका पानी पूरा निकल जाए। पर पूरा पानी इस तरह से नहीं निकलता है तो हमें क्या करना है कि इसकी एक पोटली बनाना है इस तरह से। और अब इस पोटली को हम उस प्लेट के ऊपर रख देंगे। इसे सेट करके हमें कोई भारी चीज़ इसके ऊपर रखनी है, तो यहाँ मैं इसके ऊपर डिब्बा रख रही हूँ। इससे पनीर का सारा पानी निकल जाएगा और हमारा पनीर बन जाएगा। इस तरह से हमें इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रखना है। अब करीब 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं और उसका सारा एक्स्ट्रा पानी बाहर दिखाई दे रहा है। तो अब हमें इस पोटली को धीरे धीरे खोल के देखना है। आप देख सकते हैं कि हमारा पनीर कितने अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए अब हम इसे कट करते हैं। आप अपनी मर्जी के अनुसार स्क्वायर या डायमंड शेप में कट कर सकते हैं। मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मार्केट में सॉफ्ट पनीर मिलता है वैसे ही हमारा पनीर भी सॉफ्ट बना है। अगर आप पनीर को यूज़ करने से पहले 2 घंटे फ्रिज में रख देते हैं तो ये पनीर और भी अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।